गुजरात में आज शपथ ग्रहण समारोह गांधीनगर में दोपहर 2 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई राज्यों के सीएम इसमें शामिल होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई राज्यों के सीएम भी इसमें शामिल होंगे। गांधीनगर से अपडेट आपको दे रहे हैं, गुजरात में आज शपथ ग्रहण समारोह होना है। दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई राज्यों के सीएम इसमें शामिल होने वाले हैं। तो गुजरात में आज शपथ ग्रहण समारोह होगा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई राज्यों के सीएम इसमें शामिल होने वाले हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, आज शपथ ग्रहण समारोह। तो गुजरात में आज शपथ ग्रहण समारोह होना है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई राज्यों के सीएम इसमें शामिल होने वाले हैं। गुजरात में आज शपथ ग्रहण समारोह, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक दीक्षित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, अभी के फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है, आज गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 2 बजे होगा, कौन कौन पहुंच चुका है अभी? बिल्कुल, गुजरात में प्रचंड बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद आज यानी 12 दिसंबर आज शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। आज शपथ ग्रहण समारोह में भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री बनेंगे गुजरात के, और सबसे बड़ी बात यह है कि कई राज्यों के यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ जो सीएम है वो भी मौजूद रहेंगे शपथ ग्रहण समारोह में। अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, कई यहाँ पर कई राज्यों के सीएम मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो प्रचंड जीत हुई है गुजरात के अंदर, उसको कहीं ना कहीं देखते हुए एक दिन पहले यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच गए थे गुजरात। उन्होंने रविवार को यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन किया और यहाँ पर यहाँ के लोगों को प्यार भरा एक धन्यवाद दिया लोगों को, क्योंकि यहाँ पर यहाँ की जनता ने जो उनको प्यार दिया और जो प्रचंड जीत दिलाई है उसको लेकर यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए पहुँचे थे। और आज दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, जो कि गांधीनगर के जो हेलीपैड ग्राउंड है वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। और भूपेंद्र भाई पटेल के साथ 25 नाम और स्पेशल नाम है जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जिस तरीके से प्रचंड जीत के बाद कहीं ना कहीं जो 23 के चुनाव है मध्य प्रदेश के और 24 की बात करें तो कहीं ना कहीं उसको भी लेकर यहाँ पर विचार किया जा सकता है कि जिस तरीके से गुजरात में जीत हुई है और आगे 23 और 24 में भी इसी तरीके से जीत हो। जी आशी विवेक, देखिए बीजेपी शासित प्रदेश के राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, वो कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं जो इसमें शामिल होने वाले हैं, नाम बताइए। देखिए मैं आपको बात बता दूं कि आज शपथ ग्रहण समारोह में भूपेंद्र भाई पटेल जब जिस समय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे उसके बाद 25 नाम रखे गए हैं जो स्पेशल नाम है। अगर हम बात करें अल्पेश ठाकुर की तो अल्पेश ठाकुर का भी नाम सामने आ रहा है कि वो कैबिनेट में हो सकते हैं, मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अगर हम बात करें हर्ष साध्वी की तो हर्ष साध्वी का भी नाम आगे चल रहा है। और अगर बात करें नरेश पटेल की तो कई ऐसे नाम हैं जो आयुषी जो 25 स्पेशल नाम रखे हैं, जो भूपेंद्र भाई पटेल ने जो 25 स्पेशल नाम दिए हैं उसमें ये नाम शामिल है, हो सकता है ये भी मंत्री पद की शपथ ले। जी विवेक, क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जाहिर सी बात है एयरपोर्ट की भी तस्वीर सामने आई थी जहां पर देखा गया था कि ढोल नगाड़ों के साथ वहां पर जो पारंपरिक कार्यक्रम वहां पर रखा गया, उसके बाद से कलाकार भी वहां पर स्वागत के लिए रेडी बैठे हुए हैं, उसके बाद से कौन कौन पहुंचेगा वहां पर और कितने बजे तक के कार्यक्रम, इसको लेकर के अपडेट? देखिए गुजरात में जो पारंपरिक गीत है उसको लेकर यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ गुजरात की जो संस्कृति है पूरी तरीके से दर्शाने का उसका प्रयास किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अमित शाह भी पहुँचेंगे, गृह मंत्री भी यहाँ पर पहुँचेंगे, इसके बाद जेपी नड्डा भी यहाँ मौजूद रहेंगे, राजनाथ सिंह भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे, अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। अगर हम बात करें जिस तरीके से यहाँ की जो प्रचंड जीत है, क्योंकि जिससे रैली कल निकाली गई थी रविवार को, तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वहां पे पहुंचे थे और वहां पे जाके उन्होंने खुद अपने हाथों से ढोल बजाया था और गुजरात की जनता को प्यार भरा धन्यवाद दिया था। आयुषी जी विवेक, देखिए 27 सालों से बीजेपी वहां पर काबिज थी और इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रचंड बहुमत के साथ गुजरात में सरकार बनाई है और काफी लोग इस पे शामिल होने के लिए आ रहे हैं, इसको लेकर के कौन कौन सी अभी आपके पास अपडेट है, कौन कौन से लोग अभी पहुंच चुके हैं और कौन कौन से अभी बाकी हैं?
देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यहाँ पर कल ही पहुंच गए थे, हालांकि सभी जितने पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो उत्तराखंड के जो सीएम है वो भी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। अगर बात करें मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, तो वो भी यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सभी लोग यहाँ पर पहुँचने का जो सिलसिला है वो चालू हो चुका है, क्योंकि 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। गुजरात के गांधीनगर का जो ग्राउंड है, हेलीपैड ग्राउंड है, वहाँ पर क्योंकि बड़ा ग्राउंड है, क्योंकि गैदरिंग ज़्यादा होगी, भीड़ ज़्यादा होगी, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पंडाल की जो तैयारियां थी वो 2 दिन पहले से ही यहाँ पर शुरू हो चुकी थी, क्योंकि साज सजावट की सज्जा थी वो 2 दिन पहले से ही यहाँ पर चल रही थी। हालांकि यहाँ पर अब सभी बड़े नेताओं का और जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं और स्टार प्रचारक रहे हैं, जो जिनकी एक अहम भूमिका रही है गुजरात चुनाव में, तो सभी लोगों की यहाँ पर पहुँचने की जो शुरुआत है वो चालू हो चुकी है गुजरात के अंदर। विवेक, देखिए स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आए थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर पहुंचे थे रैली को संबोधन करने के लिए। बहुत सारे लगातार जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे वो पहुंचे थे गुजरात में, और आज जो एक कार्यक्रम होने वाला है, अभी तैयारियां क्या वहां पर चल रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि तैयारियां यहां पर लगभग पूरी हो चुकी हैं, बस इंतजार है यहां पर 2 बजने का। 2 जैसे ही बजेंगे यहां पर शपथ ग्रहण समारोह की जो तैयारियां हैं वो मतलब यहां पूरी हो चुकी है, लेकिन अब यहां पर लोगों के इंतजार है। अब यहां पर 2 बजे का समय रखा गया है, तो जो भीड़ है यहां पर इकट्ठा होने लगी है, क्योंकि यहां जो मैदानी इलाका है कि जो कि जिससे ग्राउंड में जिस कार्यक्रम रखा गया है, तो यहां की जो गुजरात की जो लोकल जनता है वो भी लगातार यहां पहुंच रही है अपने मुख्यमंत्री को देखने के लिए। 27 सालों से यहां पर बीजेपी का राज था, एक बार 7वीं बार फिर यहां पर बीजेपी की सरकार बनी है, तो अपने जो वहां के सीएम है लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं भूपेन भाई पटेल, तो उनको देखने के लिए यहां पहुंच रही है। जो उनके और भी जो उनके प्रिय नेता है, लोकप्रिय नेता है, जो मंत्री पद का शपथ लेंगे, तो उनको भी देखने के लिए यहां पहुंच रही है पब्लिक। जी विवेक, देखिए आम जनता भी पहुंच रही है ताकि वो अपने मुख्यमंत्री को देख सके। तैयारियां प्रशासन की तरफ से क्या देखने को मिल रही है? बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से पूरी पुख्ता तैयारियां हैं, क्योंकि जिस तरीके सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर पूरी तरीके से यहां पर फोर्स तैनात कर दी गई है, क्योंकि जहां पर मुख्यमंत्री जो शपथ लेंगे गांधीनगर में, यहां पर चप्पे चप्पे पे कैमरे से नजर रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है, CCTV कैमरे लगा दिए गए, तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर पूरा पुख्ता इंतजाम कर दिया गया, क्योंकि जिस तरीके और जो गांधीनगर का जो हेलीपैड का जो ग्राउंड है उसको पूरी तरीके से पुलिस ने पूरे अपने हैंडओवर ले लिया है, चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। जी चलिए विवेक, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।